हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर स्टडी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े थे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो आज पढ़ाने चल रहे हैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू क्लास आपको टाइम से मिल सके। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, है ना। और वाक्य के अंत में एक निश्चित समय से पहले किसी भी कार्य को समाप्त करने की कल्पना प्रकट की जाती है। जैसे वह सोमवार से पहले विद्यालय जा चुका होगा, वह परीक्षा से पहले अपना पाठ दोहरा चुका होगा, लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आ रहा है, और बीच में क्या है, समय दिया है, निश्चित समय से पहले किसी कार्य को समाप्त करने की कल्पना प्रकट की जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। Assertive sentence. नियम देख लेते हैं सबसे पहले। नियम किसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? शैल, हैव और विल हैव। विल हैव प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगा? आपको पहले ही बताया गया परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव और विल हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा शैल हैव और विल हैव। देखिए, आई बी के साथ शैल हैव प्रयोग करना है और से सभी कर्ताओं के साथ हमें विल हैव का प्रयोग करना है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर चुका होऊंगा। कह रहा है मैं परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर चुका हूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या प्रयोग होगा? शैल हैव लर्नड, है ना। अब क्या है ऑब्जेक्ट? क्या है? माई लेसन। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया है? समय क्या दिया? परीक्षा से पहले। बिफोर माने पहले, बिफोर परीक्षा, है ना। तो एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले। आई शैल हैव लर्नड माई लेसन बिफोर एग्जामिनेशन। तुम सोमवार से पहले
दिल्ली पहुंच चुके होगे, पहुंच चुके होगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके साथ विल हैव, विल हैव। थर्ड फॉर्म क्या प्रयोग करेंगे? पहुंचना, रीच्ड, रीच्ड दिल्ली, रीच्ड दिल्ली। बिफोर मंडे, बिफोर मंडे। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बिफोर का प्रयोग करते हैं, है ना? पहले के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मंडे। जैसे कहें दो घंटे पहले, तो वहां एगो का प्रयोग, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। पीरियड ऑफ टाइम से पहले एगो का प्रयोग होता है। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम है, जहां पे कार्य की वास्तविकता प्रकट की जाती है, वहां पे विल हैव, शैल हैव के बाद टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं नियम क्या है। वाक्य के अंत में यदि पड़ेगा, पड़ेगी, यदि वाक्य के अंत में पड़ेगा या पड़ेगी या पड़ेंगे, है ना, पड़ेंगे आया हो, तो वहां पे क्या होता है? वाक्य की में बाध्यता प्रकट की जाती है, अर्थात वो कार्य अवश्य करना पड़ेगा, बाध्यता। देखिए इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या प्रयोग करेंगे? शैल हैव टू, विल हैव टू, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या लग रहा है, जब वाक्य के अंत पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे आएगा, तो इससे क्या प्रकट होता है? वाक्य में क्या भाव आता है? वाक्य में किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट होती है। जैसे सब्जेक्ट, इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? शैल हैव और विल हैव के बाद में टू को रखना है, और टू के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे ना, मुझे घर जाना पड़ता है या मुझे घर जाना पड़ता था, उसी प्रकार मुझे घर जाना पड़ेगा या मुझे अपनी पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। अब यहां पे क्या है, बाध्यता प्रकट हो रही है ना, आवश्यक हो गया है, मुझे अपनी पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल, सेल हैव। फिर यहां टू का प्रयोग करेंगे, खरीदना बाय, क्या खरीदना? अपनी पुस्तक, माई बुक, माई बुक। आई शैल हैव टू बाय माई बुक, मुझे अपनी पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। एक बार और देख लेते हैं, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल हैव का, विल हैव, इसी के जस्ट बाद टू, फिर गो, घर है, गो होम। गो के बाद यदि होम आता है तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा गो के साथ टू हमेशा आता है ना। यू विल हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अगला देखते हैं,
सी सी विल हैव फूड इन द किचन। क्या कह रहा है देखते हैं। सी विल हैव के बाद डैश फूड इन द किचन। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तो देखिए सी विल हैव डैश फूड इन द किचन, पहला ऑप्शन है टू कुक्ड। फिर सेकेंड ऑप्शन है टू कुकिंग। तीसरा ऑप्शन है टू कुक कुक्स। चौथा और लास्ट ऑप्शन है टू कुक, है ना। पहला ऑप्शन क्या है टू कुक्ड, बताया गया टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, फर्स्ट प्रथम अवस्था अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ कुक्ड कुक होना चाहिए जो कि पहला ऑप्शन क्या है गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है टू कुकिंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। अब तीसरा ऑप्शन क्या है टू कुक्स, फर्स्ट ऑप्शन तो है परंतु यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये क्या गलत है। अब क्या है टू के बाद कुक का प्रयोग हुआ है, है ना, ये सही है क्योंकि सी विल हैव, सी विल हैव टू कुक, जहां पे विल हैव के बाद या शैल हैव के बाद टू का प्रयोग हो जाए कार्य की बाध्यता प्रकट होती है, तो सी विल हैव टू कुक पकाना पड़ेगा, उसे पकाना पड़ेगा फूड भोजन इन द किचन, है ना, रसोई घर में। एक बार किसी प्रकार और देख लेते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। इफ यू लिटर, इफ यू लिटर, लिटर माने कूड़ा करना, यदि तुम कूड़ा करते हो, यू टू पे अ फाइन। If you litter, you dash to pay a fine. तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Will had. सेकेंड ऑप्शन है Shall had. तीसरा ऑप्शन Would had. चौथा अर्थात लास्ट ऑप्शन यहां पे had नहीं have होना चाहिए ना, have. तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है विल हैड, विल के साथ हैड का प्रयोग कभी नहीं होता है, ये आपको स्टेंस के लास्ट में पढ़ाया जाएगा। शैल हैड, शैल के साथ भी हैड का प्रयोग कभी नहीं होता है। उड के बाद उड के साथ हैव का प्रयोग होता है परंतु यहाँ पे क्या है टू का प्रयोग हुआ है, है ना, विल हैव, ये ऑप्शन तीसरा गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पे क्योंकि टू का प्रयोग हुआ है, है ना, यू विल हैव टू पे अ फाइन, आपको फाइन भरना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, यदि तुम कूड़ा करते हो तुम्हें फाइन अदा करना पड़ेगा, है ना। ये वाक्य आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ यू लिटर यू विल हैव टू पे अ फाइन। ओके, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस।
एक नियम और देख लेते हैं, बिफोर और आफ्टर, है ना। बिफोर और आफ्टर, बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है पहले, है ना। फ्यूचर टेंस में इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर और आफ्टर के बाद जो भी वाक्य आएगा मेरे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, फ्यूचर में, ठीक है ना। और बिफोर के पहले क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आफ्टर के पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहले प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहले फ्यूचर इंडेफिनिट। आफ्टर के साथ फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, है ना, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले चपरासी, चपरासी घंटी बजा चुका होगा, बजा चुका होगा। कह रहा है मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, है ना। यहाँ पहले शब्द लगा हुआ है इसलिए इसमें जो वाक्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका, अर्थात विद्यालय पहुंचा नहीं, पहुंच नहीं पाऊंगा तभी घंटी क्या लग जाएगी, अर्थात द प्यून, द प्यून, प्यून माने चपरासी। अब आप बिफोर के पहले कौन सा वाक्य होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पे विल हैव रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका होगा। अब पहले बिफोर, है ना। अब बाद में कार्य कौन सा हो रहा है, मेरे विद्यालय पहुंचने से, आई रीच स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। एक और देखते हैं, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद, खरीदने के बाद, है ना, आफ्टर, आफ्टर माने बाद में, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा, अपनी पुस्तक पढ़ेगा। अब यहां पे क्या कह रहा है, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा। इसमें आफ्टर शब्द लगा हुआ है इसलिए जो कार्य बाद में होगा उसको हमें पहले लिखना है। तो कौन सा कार्य बाद में हो रहा है, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा। तो सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा ये कार्य बाद में होगा, तो इसको हम पहले रखेंगे। कौन सा टेंस आता है आफ्टर के पहले, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। सोहन विल रीड
हिज बुक सोहन विल रीड हिज बुक, सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा आफ्टर, आफ्टर माने बाद में, तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद, आई बाई अ बुक, मेरे पुस्तक खरीदने के बाद, आई बाई अ बुक आफ्टर, सोहन विल रीड हिज बुक, सोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा, है ना, लिख लीजिए, सोहन विल रीड हिज बुक आफ्टर आई बाई अ बुक। अगला वाक्य देखते हैं, ऑल एम्प्लॉईज, ऑल एम्प्लॉईज सभी कर्मचारी विल हैव रीच्ड, ऑल एम्प्लॉईज विल हैव रीच्ड, रीड द ऑफिस, द ऑफिस सभी कर्मचारी ऑफिस कार्यालय पहुंच चुके होंगे, बिफोर बिफोर द सीनियर वरिष्ठ अधिकारी। अब यहां पे क्या है, डैश है, कह रहा है ऑल एम्प्लॉईज विल हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर द सीनियर ऑफिसर डैश फिर देयर, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, विल रीच, सेकेंड ऑप्शन है शैल रीच, थर्ड ऑप्शन रीच, लास्ट ऑप्शन रीच, है ना, देखिए कह रहा है विल रीच, पहला ऑप्शन क्या है, विल विल रीच, अर्थात क्या पूछ रहा है, बिफोर के बाद, बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज होता है, जो कि बिफोर के पहले कौन सा टेंस यूज हुआ है, विल हैव, तो बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां पे क्या आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए क्या है, गलत है, सेकेंड ऑप्शन भी यही, सेकेंड ऑप्शन में भी यही गलती की गई है, शैल रीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, और थर्ड ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, परंतु यहां क्या है, वर्ब प्लूरल है, इसलिए ये क्या है, गलत है, और फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, द सीनियर ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी, है ना, अब यहां पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है साथ में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिच से, रिच से हो जाएगा, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी के वहां पहुंचने से पहले सभी कार्यालय के सभी कर्मचारी आप कार्यालय में पहुंच चुके होंगे, है ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अब लास्ट देख लेते हैं एक और, आई रिवाइज्ड, रिवाइज्ड माई लेसन बिफोर
बिफोर द सन राइजेज, कह रहे आई डैश रिवाइड माई लेसन बिफोर द सन राइजेज, ऑप्शन सेल बी, सेकंड ऑप्शन विल, थर्ड ऑप्शन विल बी विल है, चौथा ऑप्शन विल बी। तो देखिए क्या कह रहा है, आई डैश यहां पे पूछ रहा है बिफोर से जब फ्यूचर में दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो कौन कौन से टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। बिफोर के पहले क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि इसमें बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है और पहले आपका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है शैल बी, शैल बी किस कौन सा टेंस होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, और साथ में आईएनजी का फॉर्म होता है, आईएनजी होता है मेन वर्ब जो कि यहाँ थर्ड फॉर्म आया, ये तो वैसे गलत दिख रहा है ना। अब सेकंड ऑप्शन क्या विल, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है इसलिए ये भी गलत है। विल हैव, यहाँ पे विल हैव थर्ड फॉर्म है ना, सॉरी विल हैव, विल हैव यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे क्या विल हैव दिया हुआ है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा सही हो जाएगा विल हैव, विल हैव ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन विल बी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव रिवाइड माई लेसन, मैं अपना पाठ दोहरा चुका होऊंगा बिफोर द सन राइजेज, सूर्य निकलने से पहले है ना, सूर्य निकलने से पहले मैं अपना पाठ दोहरा चुका होऊंगा है ना। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इसी टेंस में निगेटिव सेंटेंस।